बोलो जिंदगी को उषा झा का नमस्कार। पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम उषा झा है और मैं बिहार महिला उद्योग संघ की प्रेसिडेंट हूं। आज पूरा कोविड-19 के चलते पूरा भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ है और बिहार में भी लॉकडाउन है, तो शुरू में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि आदत नहीं होती है किसी चीज की, आदमी को आदत नहीं होती है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग यूज टू होने लगा इस लॉकडाउन में भी। हमारे यहाँ जो परेशानी थी शुरू में, जो देखते थे उद्यमी लोग के बीच में लगता था क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इस क्राइसिस में भी, इस लॉकडाउन में भी, मैं अपनी उद्यमी जो हमारे यहाँ बहन है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उन लोग इसमें सोची कि हम क्या ऐसा करें जो मेरा इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरा उद्यम चलता रहे, बंद ना हो। इस तरह से बहुत उदाहरण है मेरे पास में। हमारे यहाँ जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, रुचि चौधरी है, वो अपना बुटीक चलाती है, उनके बुटीक का नाम है अप स्टिच। पहले वो ड्रेस डिजाइनिंग और कुछ सरकारी चाहे प्राइवेट कंपनी सबका ड्रेस वगैरह का ऑर्डर लेके करती थी, लेकिन जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो उनका भी कारोबार बंद हो गया। फिर वो सोची कि हम क्या करें जो हम ताकि अभी काम करें और मेरा अभी उसको हम पूर्ति कर सकें, मार्केट भी मिल जाए। देख रही थी पेपर में डेली पीपीईट की कमी हो रही है, डॉक्टरों के बीच में पीपीईट नहीं है, इलाज करने में परेशानी हो रही थी, तो फिर वो पीपीई किट बनाना शुरू की और बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाने लगी और बहुत लोग उसका डिमांड उसके पास आने लगा। सप्लाई भी कर रही हो पीपी किट बना के, पूरा जो प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, किस तरह से फिजिकल डिस्टेंस बनाना है, किस तरह से अपना सैनिटाइज रखना है हर चीज को, इस सब को मेंटेन करते हुए वो कर रही है। ऐसे ही हमारे यहाँ साजिया है जो पहले सू लॉन्ड्री करती थी, तो अभी तो कौन सू लॉन्ड्री कराता, तो फिर सोची क्यों ना हम ऐसा बनाए जो इस कोरोना वायरस के समय भी लोगों को काम आए। तो वो शूज कवर बनाने लगी। कवर ऐसा है कि आप जूता पहन लीजिए, उसके ऊपर लगा के आप मार्केट जा सकते हैं। तो दो तरह से वो बनाई, एक तो बनाई डिस्पोजेबल और एक जो रीयूज आप कर सकते हैं। तो रीयूज को आप धो सकते हैं फिर यूज करके अच्छा से जिस तरह से होता है, और इसके बाद आप डिस्पोजेबल को एक बार जाइए यूज कीजिए फिर उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो इस तरह से उसके पास भी डिमांड आने लगा, लोग उससे मांग करने लगे। चूंकि देखिए अपने जीवन बचाने के लिए तो जीवन यापन भी जरूरी है, लोग को खाना पीना जरूरी है, तो बाहर को जाना ही होगा, तो किस तरह से हम अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर सकें इस चीज को ध्यान में रख के। फिर संपा सिन्हा है जो आपको मेडिकेटेड सोप बना रही है और सैनिटाइजर, मान लीजिए बहुत लोग सैनिटाइजर से नहीं भी हाथ धोए, वो सोप से धो ले तो सैनिटाइज हो जाता है, ऐसा वो कर रही हैं और सप्लाई कर रही हैं। स्वाति तिवारी हैं, स्वाति आनंद हैं, रश्मि झा हैं, ये सब भी मास्क बना रही हैं और कुछ ऐसा कर रही हैं। कोई एक है जो एप्रन बना रही हैं, हॉस्पिटल का बेड का चादर सब बना रही हैं। तो हम देखे कि वो सब इस तरह से अपने व्यवसाय को चला ही रही हैं, एक दिन के लिए भी वो लोग बैठी नहीं, लेकिन सबसे तारीफ की बात है कि वो लोग पूरा मेंटेन करते हुए दूरी को, किस तरह से हमको कहाँ टच नहीं करना है, कैसे हमको सैनिटाइज करना है, ये सब जानकारी के साथ पूरा जागरूक है इस मामले में। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, परसों ही बात हो रही थी कुछ अपना, हम लोग के यहाँ जब एग्जीबिशन लगता था तो मेडिसिनल प्लांट रखती थी, फोन आया उसका और कुछ कुछ उसका वो प्रोडक्ट भी बनाती थी जो इसको खा लीजिए तो पचने में अच्छा होगा, तो इस तरह से। फिर सबको अभी जानकारी हो गई है कोरोना के चलते इम्यून सिस्टम कितना मजबूत होना जरूरी है, अब वो लोग सोचती हैं इस मेडिसिनल प्लांट से हम कुछ बना ऐसा जो शरीर का इम्यूनिटी बढ़े। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, दोहरा फायदा होगा, एक तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, फिर अपना उद्यम को और अच्छे से चला पाएंगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी उनकी। इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी तो सिर्फ आप कोरोना वायरस से नहीं बचेगा, बहुत सारी बीमारी होती है जो हमारे इम्यूनिटी कम होने के चलते हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये कोरोना वायरस आया जरूर है लेकिन हमको बहुत नया नया चीज सिखा रहा है, हमारे सोच को भी उन्नत कर रहा है। इसीलिए हमको लगता है हर चीज के पीछे, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, उसका एक कारण होता है। हम लोग जानते हैं गीता में भी श्री कृष्ण ऐसा बोले हैं। तो हम बोलेंगे जिस तरह से ये पॉजिटिव सोच रख के हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, उद्यमी महिला कर रही हैं, वैसा ही सोच सबको रखना चाहिए।
आप सही सोच रखिएगा तभी आप हर परिस्थिति का सामना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि परिस्थिति सब दिन एक समान ही रह जाएगा। अभी कोरोना वायरस है तो उससे हम निजात नहीं पाएंगे, उससे हम जरूर पाएंगे, कल को जरूर हम उससे निजात पाएंगे। इसलिए हमको है कि आज ही हम अपना इस तरह से तैयारी करें कि फिर कल उसको हम किस तरह से मुकाबला करें। आज को जितना आप सुंदर से सवाजिएगा, सजाइएगा, सवारिएगा, कल आपका उतना सुंदर होगा। तो इसीलिए कोरोना से घबराइए नहीं। आज न कल तो इसका वैक्सीन आएगा, मेडिसिन आएगा और बीमारी भी जाएगी, फिर हमको एक आदत हो जाएगा इस तरह का रहने सहने का। गांव में भी लोग बहुत ज्यादा अच्छा से रह रहे हैं, जैसा मेरा गांव से लिंक है कि हम देख रहे हैं कि वो लोग भी अब हाइजीन को समझने लगे हैं। इस तरह बहुत तरह का फायदा हमको इसमें लग रहा है, तो हम क्यों नहीं हमेशा सकारात्मकता की ओर सोचें, ना कि नकारात्मक की, ना कि हम नेगेटिव होकर सोचें। तो ऐसा यदि हमारे सोच में, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है कोरोना। कोरोना खत्म होगा और तो हमको लगेगा कि हम नए रूप में आएंगे, फिर नए सोच के साथ आएंगे। जो हम पहले नहीं सोच पा रहे थे आज हम उस चीज को सोच रहे हैं। इसलिए हम फिर से कहना चाहेंगे और सभी को ये कहना चाहेंगे कि आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और डट के उसका और धैर्य पूर्वक उसका मुकाबला कीजिए। कल आपका है, कल पूरी तरह से आपका।